वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द लिविंग वर्ड, और इसमें मैं चैप्टर वन जो है उसके जो मेन पॉइंट्स है वो आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो ये मटेरियल आपके लिए तैयार किया, आई होप यू विल पार्टिसिपेट वेल इन इट। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ द लिविंग वर्ड। वाट इज़ द लिविंग? लिविंग हम किसको कहते हैं? आई होप इट इज़ विजिबल टू यू। करेक्टरिस्टिक्स लिविंग के है, यो ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन, सेल्फ रेप्लिकेशन एंड सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन करवाती है रिप्रोडक्शन, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस और द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, फॉर एग्जाम्पल फोटो ट्रॉफिज्म, लाइट की और एक्टिविटी, केमिकल और एक्टिविटी कीमोटैक्सिस, एंड शो द होमियोस्टेसिस, जिससे बैलेंस बनता है इंटरनल इन्वायरमेंट का, उससे टेम्परेचर आयनिक बैलेंस बना रहता है, वाटर बैलेंस, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस है, पर्टिकुलर जो यूनिट है बॉडी का सेल है, सेल से बने हैं, जैसे कहीं हमें सिर्फ सेल होते हैं सेलुलर, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन सिस्टम ऐसे बनते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलती है इसमें, ब्रेक डाउन एंड सिंथेसिस, सिंथेसिस को एनाबोलिज्म कहते हैं, ब्रेक डाउन को कैटाबोलिज्म, और इसमें जो जेनेटिक मटीरियल है वो ट्रांसफ़र होता है पेरेंट टू जनरेशन, उसको हेरिडिटरी कहते हैं, एंड इसमें अडाप्टेशंस होती हैं, अपनी बॉडी को अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो डाल देते हैं, एवोल्यूशन करते हैं, वो एवोल्यूशन के थ्रू ही ऑर्गेनिज्म बनते हैं। करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं लाइफ के, देखिए यहाँ पे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, ग्रोथ होती है, रिप्रोड्यूस, हेरिडिटरी, होमियोस्टेसिस, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर एक्टिविटी एंड रिस्पॉन्स। सो अकॉर्डिंग टू वन डेफिनेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर ओपन सिस्टम डैट मेंटेन द होमियोस्टेसिस एंड कंपोज ऑफ सेल, हैव ए लाइफ साइकिल, अंडर गो मेटाबॉलिज्म, कैन गो ग्रो, अडाप्ट टू देयर एनवायरमेंट, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, रिस्पॉन्स एंड इवॉल्व। तो इसके अकॉर्डिंग यही है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक ओपन सिस्टम की तरह काम करता है, एनर्जी चेंज होती है, वाइड एक्टिविटीज इसमें चलती हैं। नेक्स्ट वी हैव ग्रोथ, सो इंक्रीज इन मास एंड नंबर, बढ़ना ऑर्गेनिज्म का सेल का, उसको ग्रोथ कहते हैं। सो इंक्रीज इन मास एंड नंबर आर जैसे ट्विन करैक्टरिस्टिक्स इन लिविंग, मास भी बढ़ना, बॉडी मास बढ़ना, हाइट बढ़ना, ये एक डबल करैक्टर चलता है, और इंटेंजिक प्रॉपर्टी या बॉडी इंटरनली ये प्रॉपर्टी डिवेलप होती है। ग्रोथ इन द मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म, ग्रोथ में बाय सेल डिवीजन इन द प्लांट, सेल डिवीजन अकर थ्रू आउट द लाइफ एट स्पेसिफिक लोकेशन, मेरिस्टमिक टिश्यू है आपको बताया है, यानी प्लांट में ग्रोथ चलती रहती है जब तक उसका मेरिस्टम रहता है, उसको काटा ना जाए मेरिस्टम को, एनिमल में ग्रोथ सर्टेन एज तक रहती है, बाद में ये रुक जाती है। ग्रोथ जो है इन द यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म आल्सो बाय सेल डिवीजन से ग्रोथ होती है, सेल डिवीजन इज मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है, एंड ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट है, यानी अगर अमीबा की बात करें तो उसमें सेल डिवीजन का मीनिंग रिप्रोडक्शन है, आपकी बॉडी में बात करें सेल का नंबर बढ़ रहा है, आपकी ग्रोथ हो रही है, आपका ऑर्गन बढ़ रहा है। वन अदर हैंड मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म ग्रो एथ रिप्रोड्यूस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म जैसे आप हो इसमें डिवाइड करना एंड रिप्रोड्यूस करना ये अनदर थिंग्स है। डिफरेंस इन द ग्रोथ इन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एंड लिविंग, तो जो ग्रोथ टर्म है वो नॉन लिविंग में भी आती है, नॉन लिविंग का भी मास बढ़ता है, लिविंग का भी बढ़ता है। नॉन लिविंग में इंक्रीज इन साइज ऑफ क्रिस्टल, स्नो माउंटेन, डेजर्ट, सैंड ड्यून, ये एग्जाम्पल हैं, बट दिस रिजल्ट फ्रॉम अकोमोलेशन ऑफ मटीरियल डैट इट अकर एक्सटर्नली, यानी नॉन लिविंग का जो साइज़ बढ़ता है वो एक्सटर्नली इसमें मटीरियल अकोमोलेट होता जाता है, चट्टान बढ़ती जाती है इसमें मटीरियल अकोमोलेट होगा, सेडिमेंटेशन होगी, इंटरनली कुछ नहीं बढ़ेगा। अगर लिविंग की ग्रोथ है तो इंटरनली होता है, सेल डिवाइड होते हैं एंड इज इरिवर्सिबल, इसको वापस नहीं किया जा सकता। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इज एबिलिटी है टू रिप्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम काइंड, नॉन लिविंग जो है रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, एंड अदर आकर आइदरी सेक्सुअली जिसमें मेल एंड फीमेल की ज़रूरत होती है, गैमेट फ्यूज होते हैं, ए सेक्सुअली में एक पेरेंट ही चलता है जिसको क्लोनिंग भी कहते हैं, यूनिपेरेंटल भी कहते हैं, जैसे बाइनरी फिशन जीस्ट में हो जाती है, बडिंग होती है, अमीबा में, पैरामीशियम में भी हो जाती है बाइनरी फिशन। इन फंजाई जो मिलियन ऑफ एसेक्सुअल स्पोर बनते हैं, जैसे दिखाया हुआ है कोनिडियोस्पोर, कल हम फंजाई के ऊपर बात कर रहे थे,
तो ये डिस्पर्स होके अपना न्यू माइसीलियम ग्रोथ हो जाता है। दिस इज़ मेथड फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आगे जीस्ट में बात की हुई है एंड हाइड्रा बडिंग मेथड है ये। हाइड्रा में जो उसकी कार्म टूट जाती है पॉलिप और मेडूसा, तो बेसिकली हाइड्रा में पॉलिप ही होता है, वो डिवाइड करके न्यू ग्रो करवा देता है। ये जो मेथड हैं ये सारे बेसिक मेथड हैं रिप्रोडक्शन के लोअर ऑर्गेनिज्म में। नेक्स्ट प्लान एरिया जो फ्लैट बॉम है, फ्रेगमेंटेशन हो जाती है उसकी बॉडी का, जो सेगमेंट उसको काट दे फिर वहाँ रीजनरेट कर जाता है। ये डिजूसिया है, उसमें बॉडी का कोई भी डेफिनेट ओरिएंटेड पैटर्न नहीं होता। फंजाई फिलामेंटस एल्गी, इसमें प्रोटोनिमा स्टेज है मॉसिस की एंड ईजिली मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन। तो ये मेथड्स हैं ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फ्रेगमेंट टूट रहा है फंगस के माइसीलियम का, मॉस में फ्रेगमेंट टूट रहा है, स्पायरो वगैरह एल्गी के फ्रेगमेंट टूट रहा है, ये सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड हैं। बैक्टीरिया एंड अमीबा बाइनरी फिशन इज़ द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। यूग्लिना पैरामीशियम आल्सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिशन से करता है। ये पहले बाइनरी फिशन बैक्टीरिया की दिखाई हुई है, फिर अमीबा की, फिर पैरामीशियम की। सो पैरामीशियम एंड यूग्लिना ऊपर है, यूग्लिना में लॉन्गिट्यूडनल हो रही है, पैरामीशियम में हॉरिजॉन्टल हो रही है विद पैरेलल टू द एक्सिस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमनली अकर इन हायर प्लांट एंड एनिमल। जिनका लेवल ज़्यादा होता है, कम्प्लेक्सिटी होती है, उनमें ये होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें गैमेट बनते हैं बाय टू पेरेंट, ऑपोजिट सेक्स होता है मेल एंड फीमेल, फिर वो गैमेट जो है फ्यूज़ करके जायगोट बनाते हैं, आगे इवेंट आपको पता ही है। सो रिप्रोडक्शन इज़ अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग, वट दिस कैन नॉट बी टेकन बाय डिफाइनिंग मीन एसेंशियल टू वट समाइम प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। तो इसको एक डेफिनेट एसेक्सुअल में माना जा सकता है और ये एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है, ये हम इसको डिस्कस भी कर चुके हैं। मेटाबॉलिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ बिग और स्मॉल केमिकल और वेरियस टाइप विच एग्जिबिट देयर फंक्शन। काफ़ी केमिकल्स हैं बॉडी में, बायोमोलिक्यूल्स हैं, तो वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में सिंथेसिस होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं। टूटना कैटाबॉलिज्म है, जुड़ना एनाबॉलिज्म है, इसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो उसमें विद ऑक्सीजन विदाउट ऑक्सीजन प्रोसेसेस चलती हैं, जो फूड की ब्रेक डाउन होती है उसके बाद एटीपी बनता है, वो एनर्जी करेंसी है, उससे सेलुलर एक्टिविटी होती है। ये सारा सेल को सिग्नल है, कैटाबॉलिज्म से एटीपी निकल रहा है, एनाबॉलिज्म से भी एटीपी लग रही है कोई सिंथेसिस करने में। जैसे आपकी बॉडी में फूड जब डाइजेस्टेड हो जाता है तो उससे ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन सेल में होकर एनर्जी एटीपी निकलती है। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो इंसुलिन हार्मोन उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है आपके लीवर में, उसको एनाबॉलिज्म का नाम देते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑल लिविंग जो है वो सेल के बने हुए हैं, सेल स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट लाइफ का है। इन सच ऑर्गेनाइजेशन सीन इन नॉन लिविंग में ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। सो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एक करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है लिविंग की, ये आपको मैंने बताया है। एटम मॉलिक्यूलर बायोमोलिक्यूल जो सारा नॉन लिविंग कंपोनेंट है सेल लिविंग में आ जाता है। तो बायोमोलिक्यूल्स नॉन लिविंग तक आते हैं, बाकी जो सारे लिविंग में आ जाते हैं। कॉन्सियसनेस प्रॉपर्टी है, अपने आप को सराउंडिंग का पता है क्या हो रहा है उसको कॉन्सियसनेस कहते हैं। सेंसिटिविटी है, रिस्पॉन्स करना एनवायरमेंट को। सीजनल ब्रीडिंग, जैसे फ्रॉग हो गए, स्नेक हो गए, फिश अपने सीजन में ब्रीड करती हैं। फोटोप्रोटिज्म, प्लांट जो लाइट की ओर अपनी एक्टिविटी करते हैं, फोटो पीरियडिज्म कहते हैं। लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, एनिमल भी ऐसे होते हैं। और सभी ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट, उसमें ये फिनोमिनास देखे जाते हैं। ह्यूमन बीइंग जो होमो सेपियन है, इट इज़ ओनली स्पीसीज अवेयर ऑफ इटसेल्फ। सबसे ज़्यादा कॉन्सियसनेस हम में ही है। कॉन्सियसनेस इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लिविंग की, ये लिविंग को डिफाइन करती है। सो पेशेंट लाइंग इन कोमा हॉस्पिटल, उनमें को कॉन्सियस नहीं है। नॉट नॉन लिविंग एज मैनी ऑर्गन और पार्ट आर शोइंग एक्टिविटी। कॉन्सियसनेस नहीं है, इसका मीनिंग ये नहीं भी डेड है, क्योंकि इसके बाकी पार्ट जो है एक्टिविटी शो कर रहे हैं, और ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, इवॉल्व होते हैं, सेल्फ रेगुलेट करते हैं, इंट्रैक्टिव सिस्टम होते हैं इसमें, एंड कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड करते हैं। सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर में बात करें, आर लिंक टू ईच अदर थ्रू द कॉमन जेनेटिक मटीरियल। आगे आती है डाइवर्सिटी इन द लिविंग। लिविंग वर्ल्ड में डाइवर्सिटी है काफ़ी तरह की वेरिएबिलिटी ऑर्गेनिज्म में, इसको डाइवर्सिटी का नाम देते हैं।
नंबर एंड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, जैसे प्लांट में एनिमल्स, फंजाई, प्रोटिस्टा, मुनरा। अकॉर्डिंग टू IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर एंड नेचर सोर्स, उन्होंने बताया है हमें 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज़ है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की। और दीज ऑर्गेनिज्म्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट इंक्लूडिंग अ डेंस फॉरेस्ट, थर्मल वेंट एंड डेजर्ट, हॉट स्प्रिंग, फ्रोस्ट। सो ये अलग अलग एरिया हैबिटेट्स हैं जहाँ ऑर्गेनिज्म रहता है। सो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म आर हायर इन डेंस फॉरेस्ट। डिफरेंट प्लांट एंड एनिमल आर नोन बाय देयर लोकल नेम विच मे चेंज प्लेस टू प्लेस। जो लोकल नेम जिनको हम वर्निकुलर नेम कहते हैं वो किसी पर्टिकुलर एरिया तक ही सीमित रहते हैं। सो इसके लिए आपको पर्टिकुलर एक बायोलॉजिकल नेम नोमेनक्लेचर की ज़रूरत है। सो नेमिंग द ऑर्गेनिज्म यूजिंग सेट ऑफ टर्म्स उसको नोमेनक्लेचर कहते हैं। बिफोर नोमेनक्लेचर आइडेंटिफिकेशन मेन है। जो साइंटिस्ट हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव मेड ए सिस्टम एंड एस्टेब्लिश द प्रोसीजर टू असाइन द साइंटिफिक नेम। एक प्रोसीजर है जिससे हम किसी ऑर्गेनिज्म को उसका नाम देते हैं। जो साइंटिफिक नेम है बेस्ड ऑन द एग्रीड प्रिंसिपल जो अलग अलग टैक्सोनॉमिस्ट ने दिए हैं, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नोमेनक्लेचर एंड जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ये उन्होंने कोड बनाए हैं, इसके अकॉर्डिंग ही नोमेनक्लेचर चलता है। सो ये कोड जो बना हुआ है नोमेनक्लेचर का, इसी हिसाब से जो नाम रखा जाता है। वन सेकेंड। सिमिलर नोमेनक्लेचर रूल्स जो है फॉर्मुलेटेड फॉर अदर ऑर्गेनिज्म आल्सो, जैसे इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर बैक्टीरिया के लिए है, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर कल्टिवेटेड के लिए है, इंटरनेशनल कोड ऑफ क्लासिफाइड वायरस के लिए अलग अलग का अलग अलग कोड बने हुए हैं। द नेम ऑफ ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ टू कंपोनेंट, उसके दो कंपोनेंट होते हैं। एक जो नाम उनके जेनरा का होता है उसको जेनरिक नेम का नाम देते हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कार्लस लीनियस ने दिया था, उसने सिस्टमा नेचुरे एक बुक पब्लिश की थी, जैसे मैंगो मैंगीफेरा इंडिका है, जीनस मैंगीफेरा इंडिका स्पीसीज है। अदर यूनिवर्सल रूल अप्लाई होते हैं। बायोलॉजिकल नेम जनरली लैटिन में लिखे जाते हैं अटैलिक्स फॉर्म में, दे आर आइदर लैटिनाइज या उसको नीचे अंडरलाइन किया जाता है। इन साइंटिफिक नेम फर्स्ट पार्ट जीनस का है, सेकेंड पार्ट स्पीसीज का है। एंड विन द साइंटिफिक नेम इज़ हैंड रिटन बोथ पार्ट आर अंडरलाइन, तो अगर प्रिंटेड होगा तो उसको इटैलिक्स करेंगे। जीनस स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, बाकी स्मॉल लेटर में आते हैं। नेम ऑफ द ऑथर डिस्कवरर इज मेंशन्ड आफ्टर द स्पेसिफिक एपिसेप्स एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, उसका नाम साथ में मेंशन होता है। जैसे मैंगीफेरा इंडिका लेनिन लीनियस ने डिस्क्राइब किया, उसका नाम आ गया एल। प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी, इसके लिए एक प्रिंसिपल चलता है। अगर फर्स्ट नेम गिवन टू ऑर्गेनिज्म इज़ वैलिड देन इट इज़ गिवन प्रेफरेंस ओवर द सेकेंड नेम सजेस्टेड फॉर द सेम ऑर्गेनिज्म एट सम टाइम लेटर, यानी जिसने सबसे पहले डिस्कवरी किया उसका पहले आ जाता है। तो कॉम जो सेम नेम उसको सिनोनिम्स कहते हैं, बट नेवर प्रेफरेंस, सिनोनिमस में कोई प्रेफरेंस नहीं है। नो नेम इज़ कंसिडर वैलिड बिफोर द सिस्टम एंड नेचर, उससे पहले जो नेम है वो डिस्कार्ड किए गए हैं, बाद में जो इसके बाद जो आए हैं वही पब्लिश होते हैं। जैसे ह्यूमन में होमोसेपियन पैंथ्रालियो लियोन है, ये सारे आप याद कर लीजिए आपके काम आएंगे। नीड क्या है क्लासिफिकेशन की, बिकॉज द स्टडी ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म पॉसिबल नहीं है। सो इसलिए बेटर सिस्टम है क्लासीफाई करना, कुछ रूल बनाना। क्लासिफिकेशन एक प्रोसेस है जिससे हम ऑर्गेनिज्म को ग्रुप करते हैं एक कन्वीनियंट कैटेगरी में बेस्ड ऑन द सम ईजिली ऑब्जर्वेबल करेक्टर। जैसे प्लांट में रूट, शूट, लीफ, फ्लावर हैं, मैमल में एक्सटर्नल ईयर हैं, बॉडी हेयर हैं, अपना टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं, सर्टेन फीचर जैसे डॉग को डॉग बनाते हैं, सेम इन केस ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, डॉग कैट मैमल, ये मैमल में है, बीट राइस प्लांट में है, तो ये सारे ऑर्गेनिज्म हैं। सो आर कन्वीनियंट कैटेगरीज के लिए है। तो साइंटिफिक टर्म इनके लिए टैक्सा आते हैं, यानी जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म किसी एक डिफाइनिंग कैटेगरी में आते हैं इसको टैक्सा कहते हैं। टैक्स ऑन ग्रुप ऑफ वन और मोर पॉपुलेशन जो एक सेम करेक्टर अटेन करता है, तो ये इसको यूनिट का भी नाम देते हैं, एक यूनिट बना देता है टैक्सोनॉमिस्ट के लिए। ऑर्गेनिज्म विद इन द टैक्सोनॉमिक यूनिट शेयर सर्टेन कॉमन करेक्टर,
इनके करैक्टर सेम होते हैं। टैक्सा कैन बी बिग और स्मॉल। प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ टैक्सोन ए बिगर टैक्सोन। फ्लावरिंग प्लांट इज आल्सो टैक्सोन बट स्मॉलर देन प्लांट। यानी टैक्सोन के छोटे टैक्सोन भी होते हैं, जैसे प्लांट्स एनिमल किंगडम बड़ा टैक्सोन है, फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म छोटा टैक्सोन है। सिमिलरली एनिमल बिगर टैक्सोन है, काऊ एक छोटा टैक्सोन है। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासीफाइड इंटू डिफरेंट टैक्सा। प्रोसेस इसको कहते हैं टैक्सोनॉमी। बेसिस ऑफ द मॉडर्न टैक्सोनॉमी में इंटरनल एंड एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर है, सेल का स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट उसकी देखी जाती है, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ये सारी यूज़ करके उसको क्लासीफाई करते हैं। करैक्टराइजेशन उसके करैक्टर ढूंढना, आइडेंटिफिकेशन उसको पहचानना, क्लासीफाई करना, नॉमनक्लेचर देना, ये सारी प्रोसेस है टैक्सोनॉमी में। यानी जो टैक्सोनॉमी है एक प्रैक्टिकल मेथड है जिसमें हम काम करते हैं, इसको बायोसिस्टमैटिक्स का भी नाम देते हैं। सो दिस रेफर टू द सिस्टमैटिक्स डील विद करैक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासीफिकेशन एंड नॉमनक्लेचर। ऑर्गेनिज्म जो रूल बनाता है इसको सिस्टमैटिक्स कहते हैं। टैक्सोनॉमी है जिसमें रूल अप्लाई करके हम एक्चुअली प्रैक्टिकल करते हैं। टैक्सोनॉमी कैटेगरी। क्लासिफिकेशन इज नॉट डन इन सिंगल स्टेप, इसके लिए कैटेगरीज बनी है। सेम ऑर्गेनिज्म जैसे डॉग बिलोंग टू टैक्सोन एनिमल एज वेल एज टैक्सोन मैमल एंड सेवरल अदर टैक्सो आल्सो। सो द ऑर्गेनिज्म आर एक्चुअली क्लासीफाइड इन हायरार्की, एक पैटर्न बना हुआ है, स्टेप बाई स्टेप उसके अकॉर्डिंग ही करते हैं। इसको लीनियर हायरार्की कहते हैं, कार्लस लीनियस ने दिया था एक। उसके मेन 33 कैटेगरीज हैं, अगर आप लिखना चाहो तो आपको मैं भेज दूंगा। वो हायर लेवल पे इतनी ज़रूरत नहीं होती, उसमें मैंडेटरी 13 है, तो हम सारे यूज़ नहीं करते। मेनली हम किंगडम, फाइलम और डिवीज़न, प्लांट हो तो डिवीज़न लिखेंगे, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो इसमें आप लिख सकते हो कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक, ये इसका शॉर्टकट है याद करने का। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कैटेगरी ज्योग्राफी में नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, यहाँ कनाडा, यूएसए, जर्मनी, स्पेन, ये बताया है ज्योग्राफिकल टैक्सोनॉमी के हायरार्की कैसे बनती है, इसलिए आपके पार्ट्स बनते हैं। ऐसे ही हम इसको अप्लाई कर रहे हैं, जैसे डोमेन, उस किंगडम, फाइलम, फाइल, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये एक हायरार्की बनती है, एक पैटर्न बनता है। टैक्सोनॉमिक सिस्टम, इसमें प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, प्लांट में डिवीज़न आएगा, एनिमल में फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। स्पीसीज जो हैं ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म हैं जो कि एक पर्टिकुलर करैक्टर शेयर करते हैं, कॉमन करैक्टर, क्लोजली रिलेटेड हैं। मैंगीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम, पैंथरा लियो, ये डिफरेंट स्पीसीज हैं। मैंगीफेरा, सोलेनम, पैंथरा ये जीनस हैं, इंडिका, ट्यूबरोसम, लियो ये स्पीसीज हैं। जीनस एक टैक्सोन है एट लेवल हायर देन स्पीसीज। स्पीसीज से बड़ा लेवल किसका है? जीनस का। ईच जीनस मे हैव मोर देन वन एथिक्स जिसको स्पीसीज कहते हैं। सो सोलेनम इंक्लूड स्पीसीज लाइक निग्रम, मेलानोजिना। सिमिलरली पैंथरा में आ जाता है टाइग्रस जिसको टाइगर कहते हैं, ल्यू को लियोन, पैडरस लियोपार्ड। ह्यूमन बींग की स्पीसीज हैं सेपियंस, तो होमोस का जीनस है। जीनस जो है ये रिलेटेड टू स्पीसीज के साथ आता है, इसमें ज़्यादा करैक्टर्स आते हैं कॉमन। एग्रीगेट ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज जैसे पोटैटो, टमाटो, ब्रिंजल, ये एक जीनस में आ जाते हैं। सोलेनम तो लियोन में, पैंथरा ल्यूपार्ड जिसका आ जाता है। पैंथरा जीनस जो है डिफर फ्रॉम फेलिस इंक्लूडिंग कैट्स। सो जो जीनस है फेलिस अलग है, पैंथरा अलग है, जिसमें कैट्स आती हैं उसको फेलिस का नाम देते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट हमारे पास आता है फैमिली। फैमिली जो होती है ये जीनस से बड़ा है, इसमें काफ़ी जीनस आ जाते हैं। प्लांट में फैमिली जो है करैक्टराइज ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव करैक्टर। थ्री डिफरेंट जनरा, सोलेनम, पेटूनिया, डटूरा, ये सारे सोलेनेसी में आते हैं। एनिमल में जैसे पैंथरा है, इसमें लियोन, टाइगर, लिपार्ड आएगा। फेलिस है, ये फेलिडी फैमिली में आएंगे दोनों जीनस। कैट्स एंड डॉग एंड अदर एनिमल आर प्लेस इन डिफरेंट फैमिली, फेलिडी एंड कनीडी, तो ऐसे आता है, उसको हम ऑर्डर कह देते हैं, फैमिली के ऊपर आता है ऑर्डर। तो काफ़ी फैमिली में ऑर्डर आ जाते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, जैसे फैमिलीज हैं कॉनबुलिसी, सोलिनेसी, ये एक ऑर्डर आता है पॉलीमेलाइडी में।
कार्निवोरा ऑर्डर है, इसमें आपके फलेडी एंड कनेडी आ जाती है। फलेडी में आपके कैट्स आते हैं और कनेडी में आपके डॉग्स आते हैं। कार्निवोरा मांस खाने वाले, क्लास ऑर्डर के ऊपर है। ऑर्डर जैसे प्राइमेटा है, गोरिल्ला आते हैं, क्लास में मेमेलिया है, इसमें कार्निवोरा आ जाएगा। टाइगर लियोन कैट के लिए क्लास में मेमेलिया में काफ़ी ऑर्डर आ जाते हैं। एंड फाइलम जो है क्लास के ऊपर है, इसमें काफ़ी क्लासेस आ जाती हैं, जैसे फिश, अम्फीबियन, रेप्टाइल, ये सारे फाइलम्स हैं, इसकी अलग अलग क्लासेस हैं। किंगडम हाईएस्ट कैटेगरी है, एनिमल इन एनिमल किंगडम, प्लांट इन प्लांट किंगडम। लोअर द टैक्सा मोर द करेक्टरिस्टिक्स डैट रिजेंबल विद इन द टैक्सोन, तो शेयर करते हैं एक टैक्सोन के। हायर द कैटेगरी ग्रेटर द डिफ़िकल्टी, यानी जितना लोअर टैक्सा होगा उतनी ज़्यादा उसमें सिमिलैरिटी आएंगी, यानी स्पीसीज में सिमिलैरिटी ज़्यादा है जीनस से कंपैरेटिव, और जीनस में ज़्यादा है फैमिली के कंपैरेटिव, यानी कम्प्लेक्सिटी लेवल फैमिली का ज़्यादा है, जीनस से कम है, स्पीसीज का सबसे कम है। ये याद कर लीजिए, आपके लिए आ जाएंगे बायोलॉजिकल नेम, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, याद करना आसान रहेगा। इससे भी काफ़ी क्वेश्चंस आपने पढ़े होंगे, ये भी आपके काम की चीज़ है। कैट, बॉल, फ्लाई, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मैंने आपको करवाए भी हैं, इसकी फैमिलीज़ में कन्फ्यूज़न आ जाती है, नोट कर लीजिए। टैक्सोनॉमिक एड्स, एड्स होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं हमारी क्लासिफिकेशन में। स्टडी ऑफ प्लांट, एनिमल एंड अदर ऑर्गेनिज्म जो है, इसके लिए नॉलेज चाहिए, काफ़ी बड़े रिसोर्स चाहिए, यूज़ करते हैं। टैक्सोनॉमी एड्स की ज़रूरत पड़ती है, इसके लिए आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन आसान हो जाती है। फील्ड में जब आप किसी एनिमल को ढूंढ रहे हो, प्लांट को, नंबर ऑफ प्लांट हो गया, आपको उसके लिए एक पर्टिकुलर कुछ हेल्प चाहिए, बुक के फॉर्म में या रिकॉर्ड चाहिए। कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म एसेंशियल है इसके लिए। स्टडी आल्सो इन्वॉल्व गैदरिंग एंड स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन, उसको प्रिजर्व करके रखना। बायोलॉजिस्ट इसलिए पब्लिश करते हैं सर्टेन प्रोसीजर टेक्निक जिसको हम यूज़ करते हैं। इसमें हर्बेरियम आता है जिसमें प्लांट को प्रिजर्व करते हैं, शीट लगाते हैं इसमें, लैमिनेटेड शीट, उसमें प्रिजर्व करके रखते हैं। इसमें डिस्क्रिप्शन भी साथ में लिख देते हैं, लेबल एट द बेस ऑफ शीट प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, डेट, प्लेस, कलेक्शन, इंग्लिश लोकल बोटैनिकल नेम, जो सारा आएगा। स्टेप इन्वॉल्व, इसमें कलेक्शन करेंगे पहले प्लांट की, फिर ड्राई करेंगे, पॉइजनिंग, उसमें कुछ ऐसे केमिकल लगाएंगे जिसपे इंसेक्ट उसको खाए ना, स्टिच करना उसको, लेवल करना, डेपोजिशन करना। इंटरनल साइज ऑफ हर्बेरियम शीट का पर्टिकुलर साइज़ है, नोट कर लीजिए। फ्रैगमेंट पैकेट आर यूज फॉर शीड, जो छोटे छोटे पैकेट होते हैं, अगर आपने शीड को संभालना तो उसमें आप स्टोर कर लेते हो स्टेपल करके। ये एक प्लांट करके रखा हुआ है, इसमें ये प्रिजर्व किया हुआ है हर्बेरियम में, ऐसे हम इसको करते हैं। तो जो पार्ट होते हैं उसको प्रिजर्व करने का मेथड होता है, उनको टेंगल्ड नहीं करना, वो टूटने नहीं चाहिए। ये ऐसा रिकॉर्ड रखा हुआ है, हर्बेरिया कलेक्ट करके रखते हैं। ये हर्बेरियम प्रेस है जिसमें हम प्रेस करते हैं, स्क्रू लगे हैं इसमें, हम टाइटली इसको प्रेस करते जाएंगे, शीट के अंदर रख के या न्यूज़पेपर के अंदर, जो प्लांट हमने एक फ्रेश तोड़ा है उसका सारा मॉइस्चर धीरे धीरे उड़ जाएगा। टू टाइप ऑफ हर्बेरिया मेजर, जो नेशनल लेवल के हैं, छोटे होते हैं माइनर, इसको लोकल कहते हैं। बर्ड के काफ़ी हर्बेरिया हैं, याद कर लीजिए स्टूडेंट्स, सबसे बड़ा आपको क्यू में है बताया था, कलकत्ता में भी है, देहरादून में भी है, लखनऊ में भी है, इससे क्वेश्चन अराइज हो जाते हैं। बोटैनिकल गार्डन्स हैं जिसमें हम प्लांट को लगाते हैं, उनका डिस्क्रिप्शन साथ में लिखते हैं। रॉयल बोटैनिकल गार्डन इंग्लैंड का, इंडियन बोटैनिकल गार्डन हॉवार्थ इंडिया में, नेशनल बोटैनिकल अलग लखनऊ का, लॉयर्ड बोटैनिकल दार्जिलिंग का, जिससे क्वेश्चन काफ़ी आए हुए हैं, लेक्चरारशिप के पेपर में भी आए हुए हैं और प्रीवियस में भी आपको मिल जाएंगे। जूलॉजिकल पार्क स्पेशल होते हैं, इसमें एनिमल्स एंड प्लांट को ब्रीड किया जाता है। सॉरी, जूलॉजिकल पार्क में बेसिकली एनिमल ही रखते हैं, बट जो वो प्लांट खाते हैं उनको भी साथ में ग्रो करते हैं। म्यूज़ियम जो है एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मेन बनाते हैं, इसमें प्लांट एंड एनिमल को प्रिजर्व करते हैं। स्पेसिमन हम लेते हैं एनिमल के, बेसिक हार्ड पार्ट, उसकी बोन, स्केल्टन को रखेंगे। नेशनल म्यूज़ियम ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री NMNH दिल्ली में बना हुआ है, ये ऐसा म्यूज़ियम है। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में भी है, सबसे बड़ा म्यूज़ियम
कीज़ है, जो कुछ रूल होते हैं कीज़ के ऊपर स्टूडेंट पूछ रहे थे, ये देख लीजिए टैक्सोनॉमिक एड है जिससे हमें हेल्प हो जाती है। जैसे आपने बायो के प्रैक्टिकल में देखा होगा, जो स्लाइड लगा देते हैं या कुछ स्पेसिमेन रख देते हैं तो वो की अपने आप पास होती है टीचर के, तो वो टीचर ने साइन किया होता है ये इसकी स्लाइड का नाम ये है ये है। ऐसे ही हम कोई पर्टिकुलर कोई हमने देखना है एनिमल या प्लांट, उसके लिए हम एक की बना लेते हैं, उसके करैक्टर जो कंट्रास्टिंग करैक्टर हैं वो देखेंगे, अगर वो एबसेंट है प्रेजेंट है, अगर प्रेजेंट है उसको रखेंगे, एबसेंट है उसको इग्नोर करेंगे। कपलेट होते हैं कुछ करैक्टर जो पेयर में चलते हैं, और एक लीड आती है जो करैक्टर हमें पर्टिकुलर कहता है हमने नेक्स्ट ये बुक फॉलो करनी है या ये स्टेप देखना है, जिस सारे इसके करैक्टर आते हैं। सो कीज़ काफ़ी तरह की होती हैं, डाइकोटोमस बेसिकली कीज़ चलती है दो करैक्टर में, जैसे यहाँ मोनोकोट एंड डाइकोट की बात की है, जब समझाई हुई है। नीडल्स लीफ, लीफ में नीडल है तो टू नंबर पे जाइए, नीडल क्लस्टर में है तो पाइन होगा, नीडल जे सिंगलेट हैं तो स्प्योर्स होगा, जे लीफ सिंपल हैं तो चार नंबर पे जाइए, स्मूथ हैज हैं पाँच पे जाइए, लीफ हैज स्मूथ है मैंगोलिया है, तो ऐसे लीड बन जाती है। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छी एग्जांपल यहाँ समझाई हुई है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो ये ऐसे कीज़ बनानी पड़ती हैं, आसान हो जाता है स्टूडेंट के लिए और आपके लिए भी। अदर कोई काफ़ी तरीके हैं, जैसे फ्लोरा एनिमल का रखना, प्लांट का पूरा रखना, उसको फ्लोरा कहते हैं, कितने प्लांट्स हैं उसका नाम, डाटाबेस कंप्यूटर में भी फीड हो जाता है। मैनुअल तैयार करना, डिस्क्रिप्शन स्पीसीज प्लांट की, मोनोग्राफ होता है एक पर्टिकुलर किसी टैक्सोनॉमिक ग्रुप का, एक टैक्सोन का, उसको मोनोग्राफ कहते हैं, पूरी इसकी डिटेल होती है। कैटालॉग में काफ़ी एनिमल्स स्पीसीज हम इसको ले लेते हैं। नॉलेज क्लॉड, फाउंडर ऑफ जियोलॉजी टैक्सोनॉमी अरिस्टोटल, फादर ऑफ बॉटनी, ये सारे आप पढ़ लीजिए। फालोजेनी रेवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, ओंटोजेनी डेवलपमेंट है, ओल्ड क्लासिफिकेशन अरिस्टोटल, लीनियस क्लासिकल डिस्क्रिप्टिव सिस्टमेटिक बेस ऑन मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर, न्यू हमें बताता है सारे करैक्टर देखने हैं, मॉर्फोलॉजी साइटोलॉजी इकोलॉजी जेनेटिक ये सारे हम देखेंगे। टर्म यूलिन हक्सले ने कुछ टर्म यूज़ किए हैं, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन न्यू सिस्टमेटिक्स, तो ये ऐसे हम चलते हैं। तो ट्राइनोमियल नॉर्मल क्रिएचर देख लीजिए, स्पीसीज का भी आ जाता है, जेनेरिक और सब स्पीसीज का भी, जिसका इकट्ठा ही होता है जेनरा स्पीसीज सबसे, उसको हम टोटोनीम कहते हैं। टोटोनीम बेसिकली किस में आते हैं, जियोलॉजी में। ट्राइब एक इंटरमीडिएट कैटेगरी है जो सब फैमिली एंड जीनस के बीच आ जाती है, जैसे फैमिली आईडी है ट्राइब इसका इनी है, जी इसको ट्राइब कहते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर योर पार्टिसिपेशन। सो कैसा वीडियो लगा काइंडली कमेंट करिएगा, काफ़ी अच्छे नोट्स थे आई हैव कलेक्टेड फॉर यू, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए ताकि मोटिवेटेड होकर आपको और भी टॉपिक दे सकूं। और इसने आपकी पूरी रिवीजन करवा दी है, और ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा आपके कॉम्पिटिटिव में भी, और बार बार इसको देखिए रिपीट करिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, यू कैन कमेंट मी इन कमेंट बॉक्स, पेड ग्रुप में हम डिस्कशन कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। थैंक यू वेरी मच एंड गुड।